Welcome to the Onenest Academy. Hello everyone, welcome to the Onenest Academy. This is your educator Vinita Singh. आज का जो हमारा स्पीशीज है उसका नाम है पैंगोलिंस. पैंगोलिंस अभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में थे. कहा जा रहा था कि दिस आर द कैरियर्स ऑफ द कोरोना वायरस. सो इसके बारे में अभी स्टडीज चल रही है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि करंट में क्यों न्यूज में थे. बाकी धीरे धीरे जब डिस्कशन और होगा, जब एक क्लैरिफिकेशन आएगी, तब हम और वीडियो लाएंगे इसके बारे में. तब तक हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं. सो आइए. सो पैंगोलियंस बेसिकली हमेशा ही न्यूज में रहे थे. 2019 में भी बहुत ज्यादा न्यूज में थे बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल्स इन एशिया. ठीक है, सबसे ज्यादा तस्करी इस मैमल की जाती है. बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहते हैं एशिया में, और ये अफ्रीका में भी इसकी तस्करी इंक्रीज हो रही है. सो दिस इज अ रीजन दे वर इन न्यूज इन 2019 एंड 2020 में बिकॉज दे आर अज्यूम टू बी द कैरियर ऑफ द कोरोना वायरस. अब उसके बारे में हम बात करते हैं. ये जो मैमल है ये बेसिकली एक नॉक्टर्नल मैमल है. अब ये वर्ड नॉक्टर्नल का मतलब ये होता है ऐसे मैमल्स जो कि रात के समय बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं उसको हम नॉक्टर्नल बोलते हैं. और इसका जो आपको पिक्चर दिख रही होगी स्क्रीन पे वो थोड़ा रेप्टाइल जैसा है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा बट दिस इज नॉट अ रेप्टाइल, ये एक मैमल्स होते हैं. मैमल ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनके अंदर मैमरी ग्लैंड होता है जिससे वो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं. ऐसे ग्लैंड्स होते हैं उसको मैमल्स बोलते हैं हम. सो दिस इज अ नॉक्टर्नल मैमल. सो इनकी जो तस्करी, इनका जो सबसे ज्यादा होती है वो चाइना और वियतनाम में सबसे ज्यादा होती है. एशिया में बहुत होती है लेकिन पर्टिकुलरली चाइना और वियतनाम में बहुत ज्यादा होती है. कोरोना वायरस के आउटब्रेक के बाद 24 फरवरी को चाइना की वेट मार्केट को बंद कर दिया गया था. उसके पहले उनके सोशल मीडिया हैंडल में बहुत सारी ऐसी फोटोज थी जिसमें पैंगोलिंस को खाते, उनको सर्व करते हुए वहां की एक डेलिकेसी है वैसे दिखाया जाता था. सो अभी भी मे बी वहां पे होती होगी, आपको पता है वहां वेट मार्केट कभी बंद नहीं होती है. बट स्टिल 24 फरवरी को वहां पे ऑफिशियली उसको नोटिफिकेशन आया था कि इसको बंद कर दिया जाए. तो हम आपको बता रहे हैं वाली बात. अगर इसके बारे में बोला जाए, इसको स्केली एंड ईटर भी बोला जाता है. इसका रीजन ये है कि आपको जैसे पिक्चर दिख रही होगी इसकी, इसके स्केल्स हैं, इसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे स्केल्स हैं. ये स्केल्स की भी तस्करी की जाती है कि लोग कहते हैं कि इसको मेडिसिनल यूज के लिए आता है. कई लोग इसको जादू टोने के लिए भी यूज करते हैं. और ये इसके जो ट्रेड, इसके जो स्केल्स हैं और भी कई कई पर्पस लिए यूज किए जाते हैं. अभी रिसेंटली रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि चाइना का न्यूज़पेपर है, उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया था कि इसके स्केल्स की मेडिसिनल यूज उन्होंने बंद कर दी है. सो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, लिख लीजिए आप इसको. सो दिस इज इट. एंड The 20th February is the World Pangolin Day. इसको भी आप नोट कर लीजिए. ये कभी भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि February 20th is celebrated as the World Pangolin Day. ठीक है, इसके 8 टाइप्स होते हैं बट सबको पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है तो जरूरत नहीं है, बट आपको देखना हो तो आप गूगल करके देख लीजिएगा. उसके बाद इसके प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं. क्योंकि ये सबसे ज्यादा ट्रैफिक है तो इसको साइट्स के अंदर प्रोटेक्शन मिली है. मैंने लास्ट वीडियो जो स्नो लेपर्ड की थी उसमें साइट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप प्लीज उसको जाके चेक कीजिएगा और उसको पढ़िएगा. साइट्स के अपेंडिक्स 1 में इसको, इस पैंगोलिन को जगह दी गई है, इसको प्रोटेक्शन दी गई है. साइट्स क्या है? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज. ऐसा कन्वेंशन जिसमें सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज को वहां पे प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन की जाती है, उसको हम बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज साइट्स. आप इसकी डिटेल वीडियो में फिर से बोल रही हूँ, जाके स्नो लेपर्ड में देख लीजिएगा. इसका एक और नाम है वॉशिंगटन डीसी कन्वेंशन, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी में साइन किया गया था 1973 में, तो इसलिए उसका दूसरा कन्वेंशन का नाम ये भी है. ऑलराइट, और ये जो ट्रीटी है वो बाइंडिंग नहीं होती, बहुत वॉलंटरली है. आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है. सो दिस इज नॉट अ बाइंडिंग ट्रीटी, ये भी नोट कर लीजिएगा. उसके अलावा जो पैंगोलिंस, जैसे मैंने बताया उसके 8 टाइप होते हैं. जो एक चाइनीज पैंगोलिन है, जो चाइना का पैंगोलिन है उसका नाम है चाइनीज पैंगोलिन. वो पैंगोलिन है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, मतलब वहां सबसे ज्यादा उसका तस्करी की जाती है. मोस्ट ट्रैफिक्ड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है तो चाइनीज पैंगोलिन. इसी वजह
वजह से चाइनीज पैंगोलिन को क्रिटिकली एंडेंजर्ड का स्टेटस दिया गया है इन IUCN ऑफ रेड लिस्ट. ठीक है, चाइनीज पैंगोलिन का स्टेटस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड. और इंडियन पैंगोलिन का स्टेटस है एंडेंजर्ड. इंडियन मैं लिख देती हूं यहां पे, इंडियन जो है यहां पे लिखा है, सो सॉरी, इंडियन पैंगोलिन है उसका जो स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड, और चाइनीज पैंगोलिन का स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड. और कहा जाता है कि वहां पे वो एक्सटेंट ही हो चुके हैं, बट स्टिल वहां की कुछ रिपोर्ट्स हमें पता चलता है कि उसको क्रिटिकली एंडेंजर का नाम दिया गया है. और इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में भी प्रोटेक्शन दिया गया है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी मैंने स्नो लेपर्ड वाले चैप्टर में आपको बताया है, तो आप प्लीज उसको चेक कीजिएगा. शेड्यूल 1 भी उसमें डिस्कस किया है, तो आप उसमें से प्लीज चेक किया कीजिएगा. सो दिस इज इट अबाउट द पैंगोलिंस. ये अभी न्यूज में है, इसके बारे में और जब कैरियर ऑफ कोरोना वायरस का आगे और न्यूज आएगा तो हम उसको और आगे डिस्कस करेंगे. So till then, this is it. If you like this video, please share it to the maximum number of people and also don't forget to hit the bell icon ताकि maximum लोग सारी बातें पहुंचे. और आपको जैसे ही मेरी दूसरी सीरीज आए ये या इसका दूसरा पार्ट आए आपको तुरंत उसको अपडेट मिले. So thank you for listening to me. Have a nice day.